फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बालों को, सफेद बालों को आप लंबे समय तक काला किस तरह से बनाए रख सकते हैं। आज से ही आपको ये सारी काम शुरू करना है। जैसे अगर आप मेरे बाल भी अगर काले हैं, 2 से 4 बाल ही अगर सफेद हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने होम रेमेडीज या DIY बंद कर दूं। इसे मैं लगातार यूज करती हूँ, आप सभी लोगों को पता है। हफ्ते में 3 से 4 बार तो मैं ये बहुत सारी ऐसी वीडियो शेयर करते रहती हूँ और अपने बालों पर भी इसे अप्लाई करती हूँ, जो कि बाल जो सारे ऐसे जो सीरम होती है ना, जो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है, वही मैं यूज करती हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। ठीक है, तो आज सफेद बालों को छुपाने के लिए, सफेद बालों की समस्या को दूर करने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके साथ में कोकोनट शेल। आप लोगों को पता है, कोकोनट का शेल ले लीजिए या फिर उसके बुरादे जो ऊपर के बाल होते हैं ना, उसे ले लीजिए। उसका चारकोल पाउडर में आपको टर्न करना होता है और उसे अपने बालों पे ना बहुत सारे प्रोसेस करके आप इसका यूज कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने स्किन पे भी लगा सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग सा ये वर्क करते हैं आपके स्किन के लिए भी और आपके बालों के लिए भी। तो ऐसा है कि अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो वो प्री मेच्योर ग्रेइंग स्टार्ट हो चुका है, उसे वो आगे जाके रिवर्स भी करेगा। बट इसका लगातार आपको यूज करना है, ऐसा नहीं कि आज ही लगाया और आपने सोचा कि बस मेरे बाल तो अब काले हो चुके। नहीं, आपको प्रोसेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका प्रोसीजर भी बता देती हूँ, अभी पूरी DIY आप तो देख ही लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है आपको, आपको लेना होता है जो चारकोल हमने बना लिया, उसे जब भी आप नहाने जाओ तो उसका पूरा आप 1 घंटे पहले अपने बालों पे लगा के छोड़ दो। ठीक है, आधे 1 घंटे के बाद आप अच्छी तरह से अपने बालों को वॉश कर लीजिए, उसके बाद पैड ड्राई कर लीजिए। आप जो भी सीरम यूज करते हैं उसे यूज कर सकते हैं, सीरम बहुत अच्छा होता है, सीरम हमें अपने बालों पर लगाना चाहिए। ठीक है, और वैसे तो मैं आप लोगों के साथ में बहुत ही जल्दी एक ऐसा सीरम बना के बताऊंगी जो कि बहुत ही अमेजिंग होता है, बट मैं ये जो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक सीरम होती है ना, उसे भी मैं यूज करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं यूज नहीं करती हूँ, यूज करती हूँ मैं, तो ये बता देती हूँ मैं आप लोगों को। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, DIY देख लीजिए और कोई भी डाउट है ना, क्वेश्चन है, कॉमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ये इन चारकोल वाला बहुत ही अमेजिंग है, जो आज के डेट में बहुत सारे लोग यूज कर इसका फायदा ले रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह का आपका डाई बन के रेडी हो जाएगा। जो भी आप प्रोसेस करेंगे आगे, जो चारकोल होता है ना, ये बहुत ही अमेजिंग है, आपके बालों को लंबे समय तक काला भी बनाए रखेगा। और आपके बाल अगर काले हैं तब भी आप इसे शुरू करिए, आपके बाल जल्दी से सफ़ेद नहीं होंगे। तो कोकोनट का शेल जो होता है ना, आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च करिए, उसका चारकोल में टर्न किया जाता है, कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है उसका। बहुत सारे जगह पे चारकोल पाउडर का यूज़ किया जाता है। जो नारियल का ये जो छिलका है ना, इसे पाइल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। आप लोगों को पता है, खट्टी छाछ में इसका यूज़ करके लोग इसका लाभ लेते हैं। इस तरह से आपको ये बर्न कर लेना है लोहे की कढ़ाई में, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सतर्क होके इसे आप करना। ठीक है, जब ये पूरा अच्छी तरह से टर्न हो जाए, उसके बाद देखिए ये चारकोल में इस तरह से हमें चारकोल फॉर्म में मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इसी लोहे की कढ़ाई में आपको इस चारकोल को रखना है। अब इसके अंदर आपको वाटर ऐड कर देना है। अब वाटर की वाटर आप उतना ऐड करिए, 1 ग्लास तक आप वाटर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जितने भी इंग्रीडियंट्स बताऊँगी, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, इसमें कोई भी साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है, ना तो इसमें कोई केमिकल है, ये सारी चीज़ें नेचुरल है। बट हाँ, अगर नेचुरल चीज़ों से अगर आपको प्रॉब्लम होती है, तो मैंने हमेशा आप लोगों से शेयर किया है कि आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। अपने कान के पीछे आप इसका पैच टेस्ट कर सकते हैं लगाने से पहले। और इस तरह से इसमें हम आंवला पाउडर डालेंगे। आंवला पाउडर विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है हमारे बालों को लंबे समय तक काला बनाए रखने के लिए, बालों की हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच आपको इस चारकोल में ऐड कर देना है आंवला का पाउडर। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हिबिस्कस का पाउडर। हिबिस्कस यानी गुड़हल का पाउडर। ये गुड़हल का पाउडर आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा। अगर ना मिले तो आप गुड़हल जो है ना, वो फ्रेश वाली ला के अपने घर पे उसे सुखा के अच्छी तरह से ड्राई करके भी उसका एक पाउडर बना के रेडी कर सकते हैं। हिबिस्कस जो होता है ना हमारे बालों को, ये भी बहुत ही अच्छे से काला बनाए रखता है लंबे समय तक के लिए। तो इन सारी चीज़ों का आपको इसमें ऐड कर देना है, अच्छी तरह से इसे पकाना है। इसके अंदर अब आपको ऐड करना है ब्राह्मी का पाउडर। ब्राह्मी पाउडर बहुत ही अमेजिंग होता है। ब्राह्मी का अगर आपको लीफ भी मिल जाए तब भी आप इसका यूज़ करिए। और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा आप विटामिन सी का इंटेक ज़रूर करिए, ताकि आपके बाल जो है ना वो लंबे भी होते रहें, काले भी बने रहें। इंटरनली वर्क करना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है, इसे अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे हम। और गैस के फ्लेम को अभी तो मैंने फास्ट रखा हुआ है, इसी तरह से आपको फास्ट रखना है, ताकि इसका थोड़ा सा जो पानी है ना कंटेंट वो जल जाए। इसमें आप ऐड कर सकते हैं शिकाकाई पाउडर, नागर मोथा, ये सारी चीज़ें बड़ी अमेजिंग होती हैं बालों को काला बनाए रखने के लिए। सफ़ेद बाल जो होते हैं ना, आज के डेट में बहुत से लोग परेशान हैं, तो इन सारी चीज़ों का यूज़ ज़रूर करिएगा। इसे पूरा लाइव करके मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से मैं अपने बालों पे अप्लाई करती हूँ।
तो इसे आप अपने बालों पे जब भी नहाने जाते हैं आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले इसे लगा लीजिए और इसी तरह से लगा के छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना होता है। किसी भी हर्बल ऑर्गेनिक माइल्ड शैम्पू से आप अपने बालों को धो सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताई है कि मैं ला ऑर्गेनो की जो शैम्पू है उसे यूज़ करती हूँ, काफ़ी अमेजिंग है। उसका कंडीशनर भी मैं यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करती हूँ जो कि केमिकल फ्री, नो सल्फेट, नो मिनरल, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं, तभी मैं यूज़ करती हूँ। क्योंकि मैं हर एक कंटेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ती हूँ। उसके अंदर अगर ब्राह्मी है, आंवला है, शिकाकाई, नागरमोथा, जटामासी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, बड़ी अमेजिंग होती हैं, ये हमारे बालों को बहुत ही लंबे समय तक काला भी बनाए रखती हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल लंबे समय तक काले बने रहें, घने बने रहें और बाल जो है ना मेरे टूटते भी नहीं हैं आज के डेट में। क्योंकि मैं इन सारी चीज़ों का जो DIY आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ वो बहुत ही अमेजिंग है। ये तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी रेमेडीज़ अच्छी लगती है तो ज़रूर मुझे फॉलो करिए, @mumbaikar मेरा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पर फॉलो करिए और ज़रूर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करिए। कॉमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है बनाने में या फिर लगाने में। अगर कोई भी चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो उस सारी चीज़ों का भी मैं एक अलग से ऑप्शन भी दे दूंगी, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी जगह पे जैसे बहुत से लोगों के पास जैसे आंवला नहीं होता, तो आंवला की जगह पे आप क्या करें, तो आंवला विटामिन सी का स्रोत होता है, तो उसकी जगह पे आपने लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की DIY कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।